हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहाँ 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका सारणे, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजीत वासनी, साहिल चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी शिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है जो प्रेम के चाचा हैं, जो ऋतु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। ऋतु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। ऋतु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋतु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा कहा, सलमान खान ने प्रेम कहा, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साने ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वारछनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी का संगीत व सुर देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे विवाह होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले, तेजाब, साजन, डेर इसकिया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपनी किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब ये बात घर वालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म देने की रहती है। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उससे पहुँचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प कर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है, जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है।
किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश की जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की परात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका सारणे, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर्ड, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत राम लक्ष्मण ने मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में रह रहा की तरफ मूव किया जाता है।
जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाशनाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कैलाशनाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाशनाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। मूवी के लिए की बात करें तो माधवी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित सिपाही ने राजेश का, रेणुका साने ने पूजा का, आलोकनाथ ने कैलाशनाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, रश्मिकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाणसिंह ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी का संगीत वसूल देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे विदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहनचान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, तिखा टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएँ तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घर वालों को बता दिया तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है।
इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म देने की रहती है। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास से दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है, तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है, जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासद में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है, किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साहनी, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी शिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है।
इस फिल्म को संजीव बिना मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो ऋतु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। ऋतु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। ऋतु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋतु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सबून लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साहने ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेडे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीटा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है
उससे जुदा होकर वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग भाईजान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, इत्था टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आ जा नचले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जात्या को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात बालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म लेने वहीं रहती है। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प कर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश की जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का
बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका सारणे, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत राम लक्ष्मण ने मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु
प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सबूत लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाग उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साहनी ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेडे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीटा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत वस्तु देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे जुदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, हिट टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले, तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएँ, तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घर वालों को बता दिया तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म लेने वहीं रहती है। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह
बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाम ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदि में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश की जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की परात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का डी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका सारणे, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिल चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है।
मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। के लिए बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित सिपाही ने राजेश का, रेणुका साणे ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है उससे विदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम में हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आ जाना चले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा,
बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घर वालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है उसे जन्म लेने वहीं रहती है। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती है। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश की जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है।
वहीं इस मूवी का डी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका सारणे, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर्ड, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है जो प्रेम के चाचा हैं, जो ऋतु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। ऋतु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। ऋतु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋतु प्रेम को इंप्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सबूत लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं,
इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेमिका, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साहनी ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, रश्मिकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वांछनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है उससे जुदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्लेइंग यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आ जा नचले तेजाब, साजन, डेर इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात आपको बता दिया तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है। जन्म देने वहीं रहते हैं। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती है। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा देती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने जाती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प कर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य के फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले
इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए द्विधा में गिर जाता है, किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश की जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साहनी, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत राम लक्ष्मण ने मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने
एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाशनाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कैलाशनाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाशनाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। के लिए गृह की बात करें तो माधवी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साणे ने पूजा का, आलोकनाथ ने कैलाशनाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वांछनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे विदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्ले यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएँ तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घर वालों को बता दिया तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है।
राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है। उसे जन्म देने वहीं रहती है। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है, तो वह प्रेम उससे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है, जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है, किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साने, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह,
हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत राज ने मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साणे ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीटा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी का संगीत व सुर देने का काम राज लक्ष्मण ने किया है।
जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना जूते दो पैसे ले लो ना पहला पहला प्यार है उससे विदा होकर वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी ने ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है जिन्होंने राधे बिग बॉस सुल्तान बजरंग दुहान वांटेड लाल सिंह चट्ठा भारत टाइगर दबंग थ्री दबंग बॉडीगार्ड एक था टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है दिल तो पागल है हम आपके हैं कौन देवदास आजा नचले तेजाब साजन डेढ़ इश्किया टोटल धमाल परिंदा लज्जा बेटा बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी ही की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जात्या को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जात्या कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या थे। गाइस आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात ग्रामीणों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है उसे जन्म लेने वहीं रहते हैं। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और
राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है, इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साने, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिल चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत के मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो ऋतु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। ऋतु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। ऋतु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं।
शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें खूब सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाग उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साणे ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वांछनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीटा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी का संगीत वस्तु देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे विदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एकथा टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घर वालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है उसे जन्म लेने के लिए। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है।
पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साने, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिल चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है
जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव करा जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का शगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। के लीड कैरेक्टर की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साहने ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है उससे जुदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान चांद, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, इक्का टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले तेजाब, साजन,
डेढ़, इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की हैं। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फ्लेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात वालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म लेने वहीं रहते हैं। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती है। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम से विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उससे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश की जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है।
अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है, वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 आउट ऑफ 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साहने, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजीत वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो ऋतु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। ऋतु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। ऋतु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋतु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का
गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाशनाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। के लिए की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साहने ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वांछनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राज लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है उससे जुदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्लेइंग यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एकता टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आ जाए नचले तेजाब, साजन, डेर इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घरवालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म लेने वहीं रहते हैं। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती है। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प कर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है, जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता
यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है, किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ तक जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का डी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साहनी, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है। जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव करा जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं।
कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं, जहां पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहले नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सबूत लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहां पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। उसके लिए क्या है बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साणे ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी का संगीत वस्तु देने का काम राणा लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे जुदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्ले यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुहनचान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, इक्का टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फ्लेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घरवालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म लेने वहीं रहते हैं। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने जाती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है, जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है, किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ तक जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साहनी, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण
बिंदु, अजीत वासनी, साहिल चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत ने मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग, मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो रितु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। रितु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। रितु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्ता लेकर पहुँचते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साणे ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्ढा ने रीटा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है।
वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राज लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर, दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे जुदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी में ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दोहन, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जात्या को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घर वालों को बताती है तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म लेने वहीं रहते हैं। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा देती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाथ ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है, परंतु उसे बोध भी
होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियां ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की बारात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है, परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी सहमति और आशीर्वाद के साथ प्रेम और निशा का विवाह हो जाता है। वहीं इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन। यह मूवी 5 अगस्त 1994 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या हैं तथा स्टोरी राइटर भी सूरज बड़जात्या ही हैं। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण हैं। जहां 89% यूजर ने इस मूवी को पसंद किया है, वहीं 7.5 out of 10 इसकी IMDb रेटिंग है। इस मूवी का टोटल बजट 4.5 करोड़ का था तथा इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1.27 बिलियन की कमाई करी थी। माधुरी दीक्षित, सलमान खान, मोनिश बहल, रेणुका साहनी, आलोक नाथ, अनुपम खेर, रीमा लागू, लक्ष्मीकांत बोर, प्रिया अरुण, बिंदु, अजित वासनी, साहिद चड्ढा, दिलीप जोशी, सतीश शाह, हिमानी सिवरी जैसे कलाकार ने इस मूवी में लीड रोल प्ले किया है। इस फिल्म को संगीत राम लक्ष्मण ने दिया। मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के टाइटल सॉन्ग हम आपके हैं कौन से शुरू होती है, जिसमें हमें सलमान खान और माधुरी दीक्षित के मधुर बोल सुनाए जाते हैं। इसके बाद मूवी का सीन प्रेम के घर की तरफ मूव करा जाता है, जो इस मूवी का मेन रोल है, जहां हम देखते हैं कि लल्लू प्रसाद और सलमान खान यानी हमारे प्रेम दोनों क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जिनका आनंद ऋतु ले रही होती है। ऋतु प्रेम की आंटी की इकलौती बेटी है, जिसका विवाह वह प्रेम के साथ तय करना चाहती है। मूवी का सीन कैलाश नाथ की ओर मूव कर जाता है, जो प्रेम के चाचा हैं, जो ऋतु के पिता के अजीज दोस्त भी हैं। प्रेम और राजेश के पैदा होने के बाद उनके माँ बाप की देहांत हो गया था, जिसके लिए कैलाश नाथ ने अपनी तरफ से उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, जिसके लिए उसने शादी भी नहीं करी। ऋतु के पिता यह बात समझाते हुए राजेश की शादी का निवेदन कैलाश नाथ की तरफ रखते हैं। ऋतु के पिता की बात सुनकर कैलाश नाथ राजेश की शादी तय करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त की बेटी पूजा का सुझाव सबके सामने रखते हैं। कैलाश नाथ के अजीज दोस्त का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ होता है, जो अपनी बेटी पूजा और निशा के साथ अपने एक छोटे से घर में निशा के घर की तरफ मूव किया जाता है, जहां हमें प्रोफेसर सिद्धार्थ और उनके हंसते खेलते परिवार को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ निशा तूफानी अंदाज में पंडित जी से मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम भी आ जाता है। दोनों के बीच में नोकझोंक होती है। उनकी नोकझोंक के बाद कैलाश नाथ और प्रेम प्रोफेसर सिद्धार्थ के घर रिश्तालय को पहुँचते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर सिद्धार्थ उनके रिश्ते को सहज स्वीकार कर पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों ही शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद दोनों की सगाई हो जाती है। दोनों की सगाई बहुत शानदार तरीके से होती है। दोनों की सगाई बहुत ही धूमधाम तरीके से होती है। इसके बाद हमें प्रेम का घर दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर
कैलाश नाथ से मिलने आए होते हैं शादी समारोह में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रितु प्रेम को इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन गलती से यह खाना उसकी माँ खा लेती है, जिसे चखने के बाद उसकी माँ को उल्टी आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और निशा प्रेम के घर शादी का सुगुन लेकर आए होते हैं, जिसके बाद एक डांस समारोह होता है। इसके बाद मूवी का सीन शादी समारोह की तरफ मूव करा जाता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे। शादी समारोह में जूते उठाने वाली रस्म में प्रेम और निशा के बीच में बहुत सारी नोकझोंक होती है। इसके बाद पूजा और राजेश की शादी हो जाती है। पूजा की विदाई के समय निशा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पूजा की विदाई के बाद प्रेम के घर में पूजा का गृह प्रवेश होता है, जिसके बाद कैलाश नाथ उसे एक खानदानी हार देते हैं। इसके बाद हमें मूवी के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रेम अपनी भाभी के साथ और अपने भैया के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तभी कुछ टाइम बाद पूजा को खबर होती है कि वह गर्भवती है। इसके लिए की बात करें तो माधुरी दीक्षित ने निशा का, सलमान खान ने प्रेम का, मोहित पहल ने राजेश का, रेणुका साहने ने पूजा का, आलोक नाथ ने कैलाश नाथ का, अनुभव खेर ने प्रोफेसर सिद्धार्थ चौधरी का, रीमा लागू ने श्रीमती सिद्धार्थ चौधरी का, लक्ष्मीकांत बेटे ने लल्लू का, प्रिया अरुण ने चमेली का, बिंदु ने भागवती मामी का, अजीत वाजनी ने मामा जी का, साहिल चड्डा ने रीठा का, दिलीप जोशी ने भोला प्रसाद का, सतीश शाह ने डॉक्टर का, हिमानी शिवपुरी ने डॉक्टर रजिया का रोल प्ले किया है। वहीं इस मूवी को संगीत व सुर देने का काम राम लक्ष्मण ने किया है, जिन्होंने दीदी तेरा देवर दीवाना, जूते दो पैसे ले लो ना, पहला पहला प्यार है, उससे जुदा होकर, वाह वाह राम जी जैसे औसम गानों को इस मूवी ने ऐड किया है। वहीं इस मूवी के लीड रोल प्रेम यानी हमारे सलमान खान की बात करें तो आज बॉलीवुड में सलमान खान का नाम डंकी की चोट पर लिया जाता है, जिन्होंने राधे, बिग बॉस, सुल्तान, बजरंग दुल्हन जान, वांटेड, लाल सिंह चट्ठा, भारत, टाइगर, दबंग 3, दबंग, बॉडीगार्ड, एकता टाइगर जैसी कई औसम और मज़ेदार फिल्में की हैं। वहीं इस मूवी की एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की बात करें, जिन्हें बॉलीवुड क्वीन भी कहा जाता है, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, देवदास, आजा नचले तेजाब, साजन, डेढ़ इश्किया, टोटल धमाल, परिंदा, लज्जा, बेटा, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ जैसी औसम और धमाकेदार मूवी भी की है। वहीं इस मूवी की अवार्ड की बात करें तो 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट एक्टर का अवार्ड माधुरी दीक्षित को मिला था। वहीं 1995 में फिल्म फेयर फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड सूरज बड़जैता को ही मिला था। इस मूवी के निर्माता अजित कुमार बड़जैता, कमल कुमार बड़जैता और राजकुमार बड़जैता थे। गाइस, आप अपने किस फेवरेट एक्टर की मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएँ तथा आने आगे वाले लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें तथा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। ये बात घर वालों को बता दिया तो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। राजेश पूजा का पूरी तरह ध्यान रखने लगता है। इसके कुछ समय बाद गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है, जिसके लिए निशा पूजा के ससुराल आती है, जिसके लिए प्रेम निशा के घर जाता है, उसे जन्म लेने वहीं रहते हैं। इसी बीच प्रेम और निशा एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पूजा एक बेटे को जन्म देती है। दोनों परिवारों में खुशियां छा जाती हैं। अपने घर वापस जाते समय निशा भारी मन के साथ प्रेम को विदा लेती है। प्रेम उसे विश्वास दिलाता है कि वह जल्दी ही अपने परिवार वालों को कहकर उन दोनों का रिश्ता तय करा लेगा। कुछ दिनों बाद जब पूजा अपने बेटे को लेकर मायके जाने चाहती है तो वह प्रेम उसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहां जाकर वह अपनी भाभी को निशा और अपने संबंध के बारे में
बतलाता है। पूजा बहुत खुश होती है और उन दोनों के विवाह बंधन को बांधने का संकल्प पर वह निशा को अपने ससुराल का खानदानी हार भेंट करती है जो कैलाश नाम ने उसे भेंट किया था। तभी फोन की घंटी बजती है। राजेश से बात करने की उत्सुकता में पूजा फोन उठाने जाती है पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सिर के बल गिरकर लहूलुहान हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उपचार के दौरान उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं किंतु पूजा की मौत हो जाती है। इस त्रासदी में वह सभी शोकमग्न हो जाते हैं। पूजा की मृत्यु के बाद सबको राजेश और उसके नन्हे पुत्र की चिंता होने लगती है। पत्नी के वियोग और बेटे के भविष्य की फिक्र के कारण राजेश का स्वास्थ्य गिरने लगता है। ऐसे में पूजा के पिता यह प्रस्ताव रखते हैं कि राजेश उनकी छोटी बेटी निशा से विवाह कर ले। इस बात से प्रेम कुछ पल के लिए दुविधा में गिर जाता है किंतु वह अपने भाई और भतीजे के लिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान दे देता है और पूजा के पिता के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। सबके बहुत समझाने पर बेटे के हित में राजेश इस विवाह के लिए तैयार हो जाता है। निशा के माता पिता उससे पूछते हैं कि वह अपनी दीदी के ससुराल में बहू बनकर जाएगी। वह समझती है कि उसका विवाह प्रेम से तय कर रहे हैं। यह सोचते हुए वह इस विवाह को स्वीकृति दे देती है। विवाह के कुछ दिन पहले ही निशा को पता चलता है कि भ्रमवश उसने राजेश की पत्नी बनने के लिए हाँ कर दी है परंतु उसे बोध भी होता है कि उसका यह निर्णय उसके नन्हे भांजे और राजेश के जीवन में खुशियाँ ला सकता है। इसलिए वह अपनी भावनाओं का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह का दिन आ जाता है। अपने दुख को भूलकर प्रेम अपने भैया की परात निशा के घर पहुंचाता है। दुल्हन बनी निशा को पूजा का भेंट किया हुआ खानदानी हार याद आता है। वह प्रेम को हार लुटाना चाहती है। निशा घर के लपेट कर एक पत्र के साथ प्रेम के पास भेज देती है परंतु वह पत्र हार प्रेम के साथ राजेश के हाथ लग जाता है। सब कुछ जानकर राजेश प्रेम और निशा से पूछता है कि उन्होंने उसे विश्वास क्यों नहीं लिया। राजेश दोनों परिवारों को प्रेम और निशा के संबंध की जानकारी देता है और उनका विवाह करवाने का प्रस्ताव रखता है। अंततः सबकी